मैं सच में बहुत बुरा हो गया। आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जब जो डिसीजंस आप लेते हैं वो बुरे होते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि आपके सोचने का तरीका गलत होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं है। Not this time. मुझे जाना है। मैं बात कर रहा हूँ। मेरा जाना जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी। आज जरूरी है। मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मुझसे बात करो, तभी तुम। आज नहीं। प्रियंका ही इनोसेंट। आप प्लीज एक बार मुझ पर यकीन करके देखिए। पर क्या बात यकीन की नहीं, बात उस लड़की की इज्जत की। यही ना समझिए जिसकी वजह से अपने अपनों से अलग हो जाते हैं। बस स्टॉप इट। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर कभी। फिर कभी मतलब क्या? फिर कभी तुम आओगी, मैं किसी जरूरी काम में रहूंगा, तो फिर मैं तुमसे कहूंगा फिर कभी, तब क्या होगा? आप नहीं समझ रहे ना बात को। फिर से सब कुछ आप अपनी ईगो पे ले रहे हैं। बात ईगो की नहीं है, तुम सिद्ध पर अटक रही हो। आप नहीं समझ रहे ना, फिर से आप वही कर रहे हैं। मैं आपको जेन्युइन रीजन दे रही हूँ कि मेरा कहीं जाना जरूरी है, और आप आई एम सॉरी। चलो फिर कभी का क्या मतलब होता है? कितने सालों बाद मिल रहे हैं, इतनी सारी बातें करनी है एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में, और फिर कभी बोलकर चली गई। अरे इतना क्या एटीट्यूड है यार? बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे भी बात नहीं करनी। लड़ूंगा नहीं, प्यार से बात करूंगा। ले कर ले बात, सीधे मुंह बात भी नहीं की उसने। मुझे आना ही नहीं चाहिए था वापस। इससे अच्छा होता कि हम मिलते ही नहीं। सबके बारे में सोचेगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे छोड़कर बस मुझसे ही बात नहीं करनी। कि ना करे बात, मुझे भी बात नहीं करनी। वो ऋषि कहाँ है? लगा जी, डॉक्टर साहब ऋषि का चेकअप कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है सब ठीक है। ये है ना डॉक्टर का केबिन। पर आप ऐसे नहीं। नहीं प्लीज प्लीज उन्हें मत रोकिए। एक गलती आप कर चुके हैं, दोबारा मत कीजिए। यस ऋषि। डॉक्टर मासी है मेरी। प्लीज बैठ। ऋषि आप कैसा? मैं ठीक हूँ मासी। ऋषि मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ ना, बोलने दो उन्हें। यंग बॉय डोंट वरी, उनके गुस्से में ही उनका प्यार है, और आप भी फिक्र मत करिए। There's nothing to worry about. और ये जो थोड़े बहुत घाव हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। इन्हें इतनी चोट नहीं लगी है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, बट स्टिल थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या आई अंडरस्टैंड। और वैसे भी इन्हें कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। मैं कुछ दवाई लेकर आता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि प्रियंका के चाचा ने वाकई गलत किया, क्योंकि मैंने अपने आप को उनकी जगह रख के देखा। वो बस अपनी भतीजी के लिए परेशान थे, जैसे आप मेरे लिए, जैसे आपको मैं इनोसेंट लगता हूँ, शायद उनको भी प्रियंका इनोसेंट लगती हो। बस नजरे का फर्क है, सोच का नहीं। पता है मुझे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए। वो आपकी बात क्यों समझेंगे? आप थोड़ी ना उनकी कुछ लगती हो। ऐसे कैसे नहीं लगती, मैं उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। तुम चिंता मत करना, कल कल सुबह तक बेल हो जाएगी। ये इनकी टैबलेट्स हैं। ये आप मुझे दे दी, ये दे दी। आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। शूट शूट। यस यस। 3 points, just one to go, one to go, one to go, one to go, one. Oh shit, यार।
अभी अरे रुक, प्लेन क्रैश हो गया यार। इसका? मेरा मोबाइल पे गेम खेल रहा था ना, क्रैश हो गया प्लेन। अरे कहाँ है तू यार अभी यार, और कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे कल बात करूँ? नहीं नहीं कल नहीं, आज आज। मैं बहुत देर से तेरी राह देख रहा हूँ, अब मैं तुझसे कल बात करूँ। अभी यार क्या हो गया तेरे को यार, तू परेशान लग रहा है यार। मुझे तो बता, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मैं तुझे हेल्प करूंगा। मैंने बोला आज बात करनी है, मतलब आज, कल नहीं, अभी बोल, कल टाइम नहीं मेरे पास। अरे अभी रुक रुक, ठीक है कल बात करते हैं, लेकिन कल पक्का फर्स्ट हाफ में करेंगे, सेकंड हाफ में बिजी हूँ मैं। ओके कल कल पक्का। शख्स वो मैंने मेकअप से चोट के निशान छुपा लिए। कल तुम ऐसा नहीं करोगी तो अच्छा होगा। शख्स पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? जितना मुश्किल तुम्हारे लिए, उसे कई ज्यादा मुश्किल मेरे लिए। प्रियंका कई बार हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते। तुम्हें ऋषि को आइडेंटिफाई करना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके शख्स, बट प्रॉमिस मी कि आप मेरे साथ ही रहेंगे वहाँ पे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रियंका, I won't leave you alone. नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेले। All right? तुम बस ऋषि को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद पुलिस उसे उसके किए की सजा देगी। Thank you, Chucks. I love you. कुछ नहीं होगा। You'll be fine. उस बुढ़िया ने ऋषि का रोका करवाया है ना, अब वही इस रोके को तोड़ के मुझे अपनी बहू बनाएगी, क्योंकि मैं उनके सामने ये शर्त रखूंगी कि मैं ऋषि पर से अपना केस तभी वापस लूंगी जब वो लोग मेरी ऋषि से शादी करवाएंगे। स्विच ऑफ, ये ऋषि का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहे? दी, फोन फोन बज रहा। हाँ सरिता जी। अरे और कितना टाइम लगेगा, अभी तक डिनर चल रहा है। नहीं डिनर हो गया। तो अब क्या बिल के डिस्काउंट के लिए लड़ाई कर रही है उधर? क्रिकेट मैच, कोई ऋषि बोल रहा था कोई क्रिकेट मैच है, जरूरी है, और एक प्लेयर कम पड़ रहा है तो वो क्रिकेट खेलेंगे। ऋषि क्रिकेट खेल रहा है? हाँ ग्राउंड पे है अभी। तभी उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा, लेकिन तेरे को तो फोन करके मेरे को बता देना चाहिए था ना। अरे कितनी चिंता हो रही है मुझे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना उसके साथ। चिंता बोले तो मैं मिस कर रही थी उसको, अभी पहले तो कोई नहीं था, अभी नाती आया है ना तो उसको देख के सोती हूँ तो नींद अच्छी आती है। आप सो जाइए और टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ उसके साथ, घर आ जाएंगे हम लोग। थोड़ी देर हो जाएगी लेकिन हम लोग आ जाएंगे। अभी कितने बजे तक आओगे तुम लोग? नाइट मैच है तो रात भर मैच चल सकता है। मैं, मेरी फ्रेंड यहाँ पास में रहती है, उसके घर रुक जाऊंगी। कल कल सुबह तक हम लोग आ जाएंगे। ये लोगों का भी अजीब हो गया है। पहले तो लोग सुबह सुबह खेलने जाते थे, अभी रात को खेलते हैं और लोग भी जाग जाग के देखने जाते हैं। अच्छा फोन रखती हूँ, अभी लेट नहीं जाती हूँ, देखो शायद नींद आ ही जाए। सो जाए ठीक है, गुड। अच्छा हुआ आपने बोला कि आप दोस्त के घर रुकने वाले हो, वैसे भी आज रात मैं आपको घर तो जाने देती नहीं, कल सुबह तक मोस्टली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुझे लगता है मैं ऋषि का साथ देकर ठीक कर रही। सही या गलत का तो पता नहीं, पर आपका सच का साथ देने में आपके और जीजू के साथ में फर्क ना पड़ जाए। फर्क तो ऑलरेडी पड़ चुका है, हर बार पड़ता है, क्योंकि इस बार भी हमारी सोच अलग है। कुछ पर्सनल एक दूसरे को कहा नहीं, लेकिन फिर भी इतना कुछ कह दिया कि चुप गई बातें।
कुछ नहीं, सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी, ज्यादा मत सोचो। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। कोई आउटसाइडर ऋषि को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा। अगर आप आउटसाइडर नहीं होते तो ऋषि को इस तरीके से मारते नहीं। जानता हूं तुम हमेशा सही होती हो, लेकिन इस बार मैं सही हूं। मैं भी जानता हूं कि गलती हमेशा मैं करता हूं, लेकिन इस बार गलती तुम कर रही हो। टाइम के साथ सब बदलता है, इस बार तुमने ही सब कुछ बदल दिया। फॉर चेंज तुम ओवर एक्ट कर रही हो। फॉर चेंज मैं तुम्हें वो सब करने दूंगा जो तुम करना चाहती हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं सही था और तुम गलत, तब तुम सॉरी जरूर फील करोगी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सॉरी फील करना नहीं चाहता। मैं बस तुम्हें रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मैं भी सही हो सकता हूँ। तब तुम्हारी आंखों में इज्जत देखकर जो मुझे खुशी मिलेगी ना, वो अरे मैं छुपा क्यों रहा हूं? क्या रह गया की फोटो? एक्चुअली मैं इसे बात कर रहा था कि तुमने आकर डिस्टर्ब कर दी। I'm so sorry, मैं... No, it's okay, ऐसे बातें करते रहते। वो जब मेरे पास नहीं रहती तो उससे बात करता हूँ, शायद मेरी बात उस तक पहुंच जाती है। और वो छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। You must be thinking I'm mad, huh? फोटो से बात कर रहा हूँ? No, you're sounding as if you're in love, madly in love. तुम्हें कैसे बताऊँ? दुनिया में जितने लोग प्यार करते हैं उतने ही लोग प्यार को सामने से देखते हैं। अच्छा, प्रज्ञा का फोटो देखोगी? नो, वन सेकेंड थॉट्स, एक्चुअली इट्स फॉर मी। तुम उसे तब देखना जब वो घर आ जाएगी। लगाना झटका, मैं सच बोल रहा हूँ, आज मैं मिला था उससे। आप कहाँ? पूल। पुलिस स्टेशन के बाहर। आज भी वो वैसे ही जैसे पहले हुआ करते थे। प्रीति? अरे प्रीति तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इसकी आदतें की बात कर, हमेशा मुझे गलत साबित करती थी। शी टू मेक मी लुक लाइक अ फूल। आज भी उसने ऐसे ही किया। आप उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं लाए? घर लाना चाहिए था ना, सब खुश हो जाते। यार मैं भी ना पागल हूँ, मैंने उसे जाने दिया। मुझे एक्चुअली उसका पीछा करना चाहिए था, पता तो लगाना चाहिए था कि वो रहती कहाँ है। नेवर माइंड, मैं उसे मिलूंगा तो जरूर, और नहीं भी मिला तो पता तो लगा लूंगा कि वो कहाँ रहती है और उसे घर ले आऊंगा। तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? ओ, मुझे कुछ काम था, कुछ बताना था, लेकिन आपकी बातों में उलझ गई, भूल गई काम। ओके चलो, एनीवेज गुड नाइट। दी, फ्रेशन अप हो जा। थैंक यू। पुलिस स्टेशन में जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करोगे? बताया तो, वो पुलिस स्टेशन आए थे और ऋषि को बहुत बुरी तरीके से मारा। मुझे मालूम है दी, देखा मैंने ऋषि को, इज ऑल राइट। फिर उसकी पिटाई को लेकर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? I understand, जब तक आपने उसे नहीं देखा था, आपको पता नहीं था कि उसे कितनी लगी है या क्या हालत है, तब तक ठीक था। पर अब आपको पता है ना, उसको कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो फिर आप क्यों? मतलब उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो तभी रिएक्ट करूँ, कुछ हो जाए उसे तब? तुम्हारे जीजू ने इस तरीके से मारा वो गलत नहीं है, मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो गलत है दी। मैं बस मुझे नहीं बात करनी। अगर तुम्हें अपनी जीजू की साइड लेनी है ना,
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे मुझे तुम्हारे जीजू के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं भी सही का ही साथ दूंगी, सही के साथ खड़ी रहूंगी। दी, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत है, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप दोनों प्रियंका और ऋषि के वजह से आपस में क्यों लड़ रहे हो। दिशा, बात ऋषि और प्रियंका की है ही नहीं ना, बात मेरे ओपिनियन की है। मुझे गुस्सा इस बात पे थोड़ी है कि वो प्रियंका की साइड ले रहे हैं, मतलब प्रियंका से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बात ये कि वो फिर गलत सोच रहे हैं ना, फिर एक बार वो झूठ का ही साथ दे रहे हैं, और उन्हें पता है कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हूँ, फिर भी उनको मेरी बात नहीं सुन रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दिशा ये है कि वो इतने सालों में नहीं बदले, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है ना। नहीं बदले मतलब? अभी भी वो मेरी ओपिनियन की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना ही नहीं उनको, उन्हें लगता है प्रज्ञा बोल रही तो गलत ही बोल रही होगी। हर बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं, रहे अपनी ईगो पे। मैं भी नहीं हटने वाली, मैं सच का साथ दूंगी, मैं सच के साथ ही खड़ी रहूंगी। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं ये दोनों, पर अच्छा है, लड़ते रहेंगे तो एक दूसरे से बार बार मिलेंगे, पर बार बार मिलेंगे तो एक दिन शायद दोनों के दिल भी मिल जाए, क्योंकि ईगो चाहे कितनी भी बड़ी हो, इन दोनों के प्यार से बड़ी तो नहीं हो सकती। फीलिंग्स दोनों तरफ है, देखते हैं कब तक छुपा पाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, नई शुरुआत हो चुकी है। उस दिन दीप भी तो कह रही थी कि वो एक नई कहानी शुरू करना चाहती है जीजू के साथ, सब कुछ भुला के वापस फिर से उनसे प्यार करना चाहती है। मुझे लगता है जैसे नई शुरुआत हो चुकी है। ये अभी प्रज्ञा की स्टोरी है, सिंपल तो नहीं होगी। मेरा जाना जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी, आज जरूरी। ये सपना था। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सपने देखता नहीं हूं। जीजू, जीजू। हेलो दिशा, टाइम क्या हो रहा है? ओह गॉड, आपने टाइम पूछने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, टाइम पूछने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं सो रहा था और मैंने देखा कि प्रज्ञा, मैंने सपने में देखा कि प्रज्ञा मुझसे बात नहीं करना चाह रही। मुझे उससे बात करनी है, मुझे प्रज्ञा का नंबर दो ना प्लीज। अभी वो सो रही है। अरे शायद वो ना सो रही हो, शायद उसने भी सपना देखा हो और वो भी उठ गई हो, तुम नंबर तो दो ना। अरे जीजू, वो मेरे घर पे है और सो रही है आराम से। वो सो रही है या तुम्हारे सामने बैठकर इशारे से तुम्हें झूठ बोलने के लिए कह रही? बात करने की बेताबी, कहानी शुरू हो गई है। गुड। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। जरूर कुछ कहा होगा मन में, तो प्रज्ञा के साथ रहता ना, उन्हें बीमारी लगती। और आपको दिमाग पढ़ने की बीमारी कब से लग गई है? मैं छोड़ी। देखिए जीजू, अभी बहुत रात हो गई है और दी बहुत आराम से सो रही है। आप एक काम करना, सुबह उनको फोन कर लेना, ठीक है? गुड नाइट। यार ये क्यों प्यार की दुश्मन बन रही है? उठा देती तो प्रज्ञा बात तो करती ना। मैं आपको उठा सकती थी, पर मैं नहीं चाहती कि आप दोनों फोन पर बात करें। आप दोनों को मिलके बात करनी चाहिए। आपका मासूम सा चेहरा देखकर कितनी देर गुस्से में रहेंगे? झूठ सच ऋषि प्रियंका सब भूल के उन्हें बस अपना प्यार याद रह जाएगा। कब तक छुपाओगी अपने प्यार को? मैं चाहता हूँ या हम दोनों की फोटो फ्रेम हो,
जिसमें हम दोनों एक साथ दिखे, पर तुम इतनी आसानी से मानोगी थोड़ी ना। हर बार तुम्हें पाना मुश्किल रहा है, और वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। कल मैं तुमसे बात करूंगा, समझाऊंगा, मनाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, प्रज्ञा और अभी, अभी और प्रज्ञा, अभिज्ञा और कोई नहीं।